आप सब, आज का हमारा टॉपिक है सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, यानी कि सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में मैं पहले भी डाइजेशन वाले चैप्टर में पूरा बताया था, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया था। अगर आप नहीं पढ़े हो तो मेरी लास्ट वीडियो को देखें, इससे पहले जो भी डाइजेशन का पूरा चैप्टर है उसको देखिए, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं केवल रेगुलेशन ही बताऊँगी। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रेशन होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे कंट्रोल होता है और कैसे इनहिबिट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। दो तरह के ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, एक तो रनर्स ग्लैंड है जिसको ड्यूडिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ड्यूडिनल ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल ड्यूडिनम में ही सिक्रेटेड होता है। ठीक है, केवल ड्यूडिनम में ही प्रेजेंट होता है रनर्स ग्लैंड। दूसरा होता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन जो होता है, ये पहली बात तो विलाई के बीच बीच में होता है, ट्यूब लाइक होता है, फिंगर लाइक होता है। ठीक है, विलाई क्या होता है, विलाई भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एब्जॉर्प्शन का वो बेसिक यूनिट होता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, विलाई एंड देन ब्लड में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन जो होता है उसके बीच में होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये पूरे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, यानी कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है, ड्यूडनम, जेजनम, इलियम। तो ये तीनों पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या, क्रिप्स ऑफ लिवर कॉन। ठीक है, और रनर्स ग्लैंड जो होता है वो ड्यूडनल ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि केवल ड्यूडनम इंटेस्टाइन का पहला पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, ड्यूडनम में ही प्रेजेंट होता है। फिर आता है बर्नर्स ग्लैंड, तो इसमें प्रेजेंट इन दी सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द ड्यूडनम। ड्यूडनम का सब म्यूकोसा लेयर, ये तो पता ही है कि चार लेयर होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ठीक है, ज़्यादातर ग्लैंड जो होता है म्यूकोसा लेयर में होता है, लेकिन रनर्स ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसा लेयर में होता है। ठीक है, सब म्यूकोसा दूसरा लेयर है उसमें प्रेजेंट होता है रनर्स ग्लैंड। ठीक है, ड्यूडनम के दे सिक्रेट म्यूसिन एंड वीक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। रनर्स ग्लैंड जो है वो म्यूसिन एंड वीक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, बहुत ही वीक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है। लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन, यानी कि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन कर एंजाइम वो सिक्रेट करता है। ठीक है, बहुत ही वीक होता है, मेनली ये म्यूसिन ही सिक्रेट करता है, म्यूसिन ही सिक्रेट करता है और फूड को एल्कलाइन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, रनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन से। दूसरा देखते हैं, दूसरा है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। दिस आर ट्यूबुलर ग्लैंड एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ड्यूडनम, जेजनम एंड इलियम। ठीक है, तीनों पार्ट में प्रेजेंट होता है। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन अबाउट 99% वाटर। अब इसमें बताया गया उसका कंपोनेंट कि इंटेस्टाइनल जूस में कितना वाटर होता है, कितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो 99% वाटर होता है, 0.5% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है एंड 0.5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। द इनऑर्गेनिक साल्ट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड ऑफ, अच्छा, और इंटेस्टाइन में जो एंजाइम से ब्रेकडाउन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम होता है, उसका पीएच होता है 7.8। ठीक है, तो मेनली बाइकार्बोनेट जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के हेल्प से, म्यूकस के हेल्प से, म्यूसिन के हेल्प से। ठीक है, और पैंक्रियाज से भी जो बाइकार्बोनेट आता है वो भी इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि एंजाइम जो है उसका आसानी से काम कर सके, आसानी से डाइजेशन हो सके। क्लोराइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का क्लोराइड, ये सब जो है ये इनऑर्गेनिक में है, इंक्लूड है। ठीक है, इन दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। देखिए दिया भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विच मेक्स द इंटेस्टाइनल जूस एल्कलाइन, जो इंटेस्टाइनल जूस को एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन से भी जो सिक्रेट होता है वो भी एल्कलाइन बनाता है और पैंक्रियाज से भी आता है। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ म्यूसिन एंड सेवरल एंजाइम, दैट इज एंटेरोकाइनेज, लैक्टेज, माल्टेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस यानी कि एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक है,
ये सब नाइट्रोजिनस बेस है, इसके बारे में मैंने बताया है एक वीडियो में, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट शुगर एंड पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। पहले तो पैंक्रियाज से एंजाइम निकलता है, वो ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइडेज के हेल्प से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेक करके न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम निकलता है न्यूक्लियोसाइडेज, जो न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करके और फॉस्फेट शुगर एंड सॉरी पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस को अलग अलग करता है, ठीक है, और वसाने से एब्जॉर्ब हो जाता है। डिसिक्रेशन ऑफ और ये लैक्टेज माल्टेज लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज माल्टोज का करता है, पेप्टाइड का, सुक्रेज सुक्रोज का करता है, ठीक है। एंटेरोकाइनेज तो एंजाइम है जो इन सभी के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, सॉरी सॉरी एंटेरोकाइनेज तो वो करता है ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन एक हार्मोन है जो इनके सिक्रेशन को याद दिया भी है, हाँ, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज इंक्रीज्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन हार्मोन के सिक्रेशन के द्वारा इसका सिक्रेशन इंक्रीज होता है, और ये एंटेरोक्राइनिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से प्रोड्यूस होता है। और एक और चीज़ बता रही हूँ, मैं लास्ट वीडियो के बारे में बता रही हूँ जिसमें वैगस नर्व के बारे में मैंने बताया था। वैगस नर्व का नाम मैंने क्यों लिया था लास्ट वीडियो में, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, अगर आपको जानना हो तो लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। यहाँ बताती हूँ कि वैगस नर्व होता क्या है, ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में ही मैंने बताया था, अगर आपको जानना है क्यों बताया था तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिए एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसी बुक में दो तरह का, किसी बुक में तीन तरह का देता है, तो दो वाला या तीन वाला जो भी है, तो कौन कौन टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व इमर्ज होते हैं एंड दूसरे ऑर्गन या विसरा में इनर्वेट होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, यानी कि पेरिफेरी का जो नर्व्स होते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो क्रैनियल यानी कि ब्रेन से जो नर्व्स आएंगे क्रैनियल नर्व्स होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से जो आएंगे स्पाइनल नर्व्स होंगे। क्रैनियल नर्व्स जो हैं 12 पेयर्स के होते हैं, स्पाइनल नर्व्स जो हैं 31 पेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व जो होता है 12 पेयर्स का होता है, उसमें का जो 10th क्रैनियल नर्व होता है उसको ही वैगस नर्व कहा जाता है, ठीक है, वैगस नर्व कहा जाता है। और ये वैगस नर्व मेडुला के साइड से अराइज होता है, ठीक है। तो ये मैं लास्ट वीडियो में वैगस नर्व के बारे में बताना भूल गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।